फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपकी होस्ट नरगिस जाहिद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा सॉस। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और घर के ही मसालों में आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 4 कप पानी के ऐड करेंगे। और यहाँ हमारे पास 4 टमाटर है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और उबाल आने तक हम इसे मीडियम आंच पर रखेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखें अच्छे से बॉयल हो रहे हैं और इनके छिलके उतरना शुरू हो गए हैं। अभी इस पॉइंट पे आंच को बंद कर देंगे और इसमें से टमाटर निकाल के फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रखें। जी फ्रेंड्स, तो टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अभी हम इनके छिलके उतारेंगे। इस तरह से इनके छिलके उतार देंगे। हमने छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है, अभी हम जग के अंदर इन्हें डालेंगे और साथ ही 4 हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और इस पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने ये 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हल्का सा फ्राई करेंगे। ऑयल ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन डालेंगे। मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाला है, आप तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने टमाटर प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। तो पानी ऑलमोस्ट फ्राई हो ही चुका है। अभी इस पॉइंट पे आधा खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम पिज्जा सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पिज्जा सॉस का मेन इंग्रेडिएंट ऑरिगैनो है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में अजमाइन। 1/4 चाय का चम्मच हम ऑरिगैनो ऐड कर देंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मुझे पकाना। तो पानी भी सूख चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी हम थोड़ी सी तेज आंच करके इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हो चुका है, अभी इस पॉइंट में हम आंच बंद कर देंगे और हमारा पिज्जा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हमारा पिज्जा सॉस बहुत ही मजेदार तैयार है और सारे इंग्रेडिएंट्स आप घर से ही मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो
आप अपने घरों में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।